बहुत सारी चीज़ें, क्रिकेट बोर्ड की तब्दीलियां, फिर क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर की तब्दीलियां, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। आने वाले नए चेयरमैन किस तरह से क्रिकेट बोर्ड को लेकर चलेंगे, वसीम खान के साथ उनके किस तरह से रबते होंगे, किस तरह से रिलेशनशिप होगा, इन पर भी बात करेंगे। और फिर न्यूजीलैंड टूर पर भी चौधरी इरफान जहीर सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इरफान जहीर साहब, इरफान भाई, हैदर ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई है मेरा ख्याल है, और एक उम्मीद जाग गई है मेरी। मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्राम कर चुका हूँ ओलंपिक्स पे, और मैं बड़ा ख्वाहिश रखता था कि जब ओलंपिक्स हो रही थी तो शायद अरशद ही हमारे लिए कुछ कर ले, लेकिन वो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ। अरशद ने मेहनत बहुत की, अरशद ने पूरी कोशिश की, लेकिन चूँकि हमारे पास कमी रह जाती है कहीं पर कोचिंग मामले में, कहीं पर एडवांस टेक्निक्स में, तो क्या कहेंगे इस पर? जी उसमें बिल्कुल, एक तो थोड़ी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही थी, अगर आप वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर दे तो ओके, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहता हूँ कि वो थोड़ा सा मामला इसको सही कर दे, लेकिन हैदर अली के लिए कुछ लाजमी कही। जी बिल्कुल, जैसे हमने देखा तला तालिब का पहले हमने देखा, और फिर हमने देखा कि जेवलिन थ्रो के लिए अर्शद नदीम, दोनों ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, फाइनल तक गए, और अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कोई नहीं ले सके तमगा पाकिस्तान के लिए जीत सके। बट जिस तरह हमने कल देखा कि कल उन्होंने पैरालंपिक के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया, तो पूरे कंट्री के लिए एक बड़ी खुशहाल चीज है। और मैं तो इसको इस तरह देखता हूँ कि ये इनको जैसे कहा जाता है कि कुछ डिसेबिलिटी है, मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ ये एबल किसी और तरह है, और शायद इन्होंने ये प्रूव किया कि इस तरह आप ये लोग किसी भी तरह किसी भी फील्ड के अंदर किसी से काम नहीं है। और जिस तरह का माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान का पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए नाम रोशन किया, और ये उनके लिए, उनकी पूरी इंटायर फैमिली के लिए, पूरी नेशन के लिए बड़ी खुशान चीज है। और इसमें जितना पाकिस्तान गवर्नमेंट को उस पर फोकस करना चाहिए, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि सिर्फ सारी तवज्जो हमारी क्रिकेट के ऊपर है, इसके अलावा स्क्वाश बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे हमने ऑलमोस्ट 3 डेकेड तक राज किया, उसके साथ साथ हॉकी की तरफ देखना चाहिए जो हमारी कौमी खेल है, उस पर बड़ा काम करने की जरूरत है। तो ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इन तमाम हेल्थ अफेयर जो स्टेक होल्डर बड़े हैं, इन तमाम को एक पेज पे आना पड़ेगा। अब तो हमारे पीएम भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी खुद स्पोर्ट्समैन है। अच्छा, मैं इरफान भाई इस पे मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक प्रोग्राम भी करूंगा, मुझे जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है उसके किरदार पर भी बहुत ज्यादा सवालात है मेरे पास, उस पर मैं आपसे एक डिस्कशन करूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो कि खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं उन्हें आगे आना चाहिए।